अल हिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 18 जुलाई को उमरा ग्रुप रवाना हुआ था और मुकम्मल उमरा की अदायगी के बाद इस ग्रुप की 1 अगस्त को वापसी हुई है। इस ग्रुप के रवाना होने से पहले गुलबर्गा शहर में 14 जुलाई को एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम ज़रूरी अहकाम सिखाए गए थे। और 18 जुलाई को ये ग्रुप हैदराबाद एयरपोर्ट से उमरा के लिए रवाना हुआ था और 19 जुलाई को कुल 80 आजमीन उमरा पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने जनाब मोहम्मद मौला अली साहब की निगरानी में उमरा अदा कर चुका है और साथ ही एक और उमरा मस्जिद जुनाना से करवाया गया है और दीगर तमाम ज़ियारतें कर ये काफिला मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के बाद 1 अगस्त को इंडिया रवाना हो चुका है। अलहिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर का एक मशहूर मारूफ ट्रैवल्स है और इसके प्रोपराइटर मौला अली ने बताया इस काफिले के बाद 15 अगस्त 3 सितंबर और 14 अक्टूबर को नए ग्रुप्स रवाना होने वाले हैं और अगर आप उमरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूर अलहिदाया टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता करें। याद रहे सभी पैकेज में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं।